ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर सरकार दावा करती है कि सड़क हादसों को कम करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी ही होती है। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार सुरक्षित सड़क योजना के तहत सड़क के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। देश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े कितने खौफनाक हैं, ये तो आपने देखा, लेकिन सड़क हादसों को रोका कैसे जाए, इसको लेकर अब तक कोई ऐसा विचार मंथन देखने को नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। हालांकि सड़क हादसों को लेकर कई तरह की कोशिश किए जाने का दावा तमाम सरकारें करती रही हैं। इस बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों को लेकर कुछ अहम कदम उठाने की बात कही है। नितिन गडकरी का कहना है कि सुरक्षित सड़क योजना के तहत सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार हर तरह की कोशिश करेगी। सुरक्षित सड़क राष्ट्रीय परियोजना की जो सोच है और प्रधानमंत्री रोड सुरक्षा योजना की योजना है, उसके आधार पर हमने कुछ बीच में कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज को अपील किया था। उन्होंने कुछ फिल्म स्टार को अपना एम्बेसडर बनाया था कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने। इसमें बच्चों के लिए रूल्स ऑफ रोड के बारे में पहले से ही स्कूलों में कुछ लेसन्स तैयार करके करें, और आजकल जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छोटे छोटे पिक्चर तैयार करके बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कार्टून फिल्म बनती है, उस टाइप की कुछ फिल्में बनाई थी एक प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी ने। तो हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं और हम लगातार हमारे मीडिया में जो मित्र हैं उनको कह रहे कि आप भी इसको प्रमोट करिए कि कैसे बचें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि ज्यादातर सड़क हादसे ड्राइवर्स की गलती की वजह से होते हैं और ड्राइविंग के दौरान लापरवाही सड़क हादसों की बड़ी वजह है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने के साथ साथ सड़क हादसों की संख्या कम करने के लिए सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थाओं और दूसरे संगठनों की भी मदद ली जाएगी। दो पहिया वाहनों से होने वाले हादसों में मरने वालों की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों के सफर को सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है और इसके लिए बेहतर तकनीक से बेहद हल्के और मजबूत हेलमेट बनाए जाएंगे। ब्राजील में देखा था लाइट हेलमेट था, जैसे अपने कपड़े की कैप होती कि नहीं, इस टाइप का छोटा हेलमेट था। अब वो हेलमेट में विवाद है, वो हेलमेट में कारण कभी पीठ के और इसके दर्द है, ऐसा हेवी हेलमेट है जैसा कोई वजन लगता है तो लोगों की कुछ नाराजगी है, उसके प्रति भी मेरे पास बहुत रिप्रेजेंटेशन आए थे। तो हमने कहा इतना सिंपल और लाइट वेट के हेलमेट बाय यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, तो मैं ये आह्वान करता हूँ देश भर के युवाओं को और सभी डिजाइन वालों को, क्योंकि ऐसा हेलमेट ढूंढकर आप हमको बताइए और आने वाले 3 महीने में ऐसा डिजाइन कोई देगा तो वो जो सिलेक्ट करेंगे डिजाइन को, फिर उसको हम अवार्ड भी देंगे हमारी तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये माना कि देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद आसान है और इसके लिए नियमों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सही नियमों के पालन और टेस्ट के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएं। सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई देश में मिलता है तो हमारा नाम पहले नंबर पर है। अब इसके लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट का बिल है और उसमें हमने काफी थी, इसमें हमने सुझाया है कि कंप्यूटर परीक्षा लेगा और ऐसे 20 सेंटर हमने खोल दिया ऑलरेडी, पुणे में है, कलकत्ता में है, राजस्थान में है, कि वो ट्रक वाला पूरा वहां ग्राउंड में जाके पूरा चलाएगा और कंप्यूटर उसकी परीक्षा लेगा, पास या फेल डिक्लेयर करेगा। सही मायने में सड़क हादसों को रोकने के लिए पूरी गंभीरता के साथ कोशिश किए जाने की जरूरत है और इसमें सरकार के साथ साथ हर आम आदमी की सहभागिता भी जरूरी है। इसके लिए नियमों में बदलाव से लेकर जागरूकता तक और सड़क के निर्माण में बेहतरीन इंजीनियरिंग से लेकर वाहनों की डिजाइनिंग में भी सुधार करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो आखिर क्या कुछ वजहें हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इन आंकड़ों में कमी आए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।